हाय फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी। ज्यादातर सभी के घरों में बनाई जाती है। इसे बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालें। लहसुन मिलाने से किसी भी सब्जी का जायका और स्वाद और बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालें, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी उपयोग में ला सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज डालें। प्याज हमेशा बारीक कटा हुआ हो तभी भुर्जी लजीज बनेगी। इन्हें गुलाबी होने तक भूनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप देख सकते हैं प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इसमें 4 कटे हुए टमाटर मिलाएं। टमाटर को मैंने पहले ही उबालकर उनका छिलका उतार लिया था। सबको अच्छी तरह मिला लें। मसाले में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर मिलाएं। मिर्ची कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मसाले को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए भून लें। और फिर धीमी आंच पर पानी सूखने तक ढक के पकने दें। थोड़ी देर ढक के पकने के बाद आप देख सकते हैं मसालों से पानी सूख चुका है। इसे 5 मिनट के लिए भून लें ताकि मसालों में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सूख जाए। इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटे हुए काजू डालें। आप काजू के जगह दरदरी सिकी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। काजू मिलाने से नट्टी और क्रंचीनेस आएगी। शिमला मिर्च के कटे हुए टुकड़े मिलाएं। 4 बड़े चम्मच जितना फेटा हुआ दही डालें। इन सबको थोड़ा भून लें जब तक मसाला घी न छोड़ने लगे। कई बार भुर्जी ड्राई बनती है इसीलिए हम इसमें दही मिला रहे हैं। दही मिलाने से हमारी भुर्जी सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें 250 ग्राम पनीर मिलाएंगे। 150 ग्राम जितना पनीर हाथों से मसल कर डालें। ऐसा करने से भुर्जी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। भुर्जी एक झटपट बनने वाली आसान सी सब्जी है जिसे लगभग सभी के घरों में बनाया जाता है। चाहे वो शाकाहारी लोगों के लिए पनीर या टोफू भुर्जी हो या फिर नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडा भुर्जी। बाकी 100 ग्राम जितना बचा हुआ पनीर आप इसमें कद्दूकस करके डालें। इसी तरीके से टोफू भुर्जी भी बना सकते हैं। दोनों के स्वाद में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। इन सबको 2-3 मिनट के लिए भून लें। अब इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक के पकने दें। आप देख सकते हैं भुर्जी बनके तैयार है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें, 2 बड़े चम्मच जितनी क्रीम मिलाएं। यहाँ पर क्रीम ऑप्शनल है। क्रीम को मिलाने से क्रीमी और रिच फ्लेवर आता है। इन सबको 1 मिनट के लिए भून लें। इसके ऊपर आप ताजा कटा हुआ धनिया डालें। गार्निशिंग के लिए कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।